पर स्टोन पे जो प्रिंट हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से प्रिंट आपका जो है निकला हुआ है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप बहुत सारे उस पर प्रिंट कर सकते हैं। ये तो हार्ड शेप में है, ये देखिए वर्टिकल में जो है इस पर भी हम लोग प्रिंट कर लेंगे इसी साइज़ से, सेम टेम्परेचर और सेम टाइमिंग के ऊपर जो है हम लोग इस पर भी प्रिंट कर लेंगे। ये जो एक छोटा वाला है इस पर हम लोग इसी तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, मतलब छोटा बड़ा कुछ भी हो, डिज़ाइन में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, बाकी जो है प्रिंट आपका सेम वही चीज़ रहेगा। ये देखिए ये जो इस तरीके का आकार है इस पे भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए एक शेप ये भी आता है, इस पे भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं उसी तरीके से। ये देखिए दोस्तों ये निकल चुका है प्रिंट आउट आपका। ये कैसे प्रिंट होगा ये इस वीडियो के अंदर आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आपको इस ये कैसे प्रिंटिंग होती है इसके बारे में जानकारी, टाइम टेम्परेचर क्या होगा ये सब आपको जानना है, तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए और देखते रहिए आलोक सब्लिमेशन टेक। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आपको बताता चलूं कि ये इस तरीके के बहुत सारे डिज़ाइन हैं आपके पास जो इस सब पे प्रिंट कर सकते हैं आप। ये देखिए कितना बढ़िया प्रिंट आया हुआ है। इस तरीके का अगर आप प्रिंट चाहते हैं तो इसके लिए जो है आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और आपको सीखना पड़ेगा कि ये प्रिंट कैसे होगा आपका। के सामने करने जा रहा हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। ये देखिए ये आपका इस तरीके से होगा, इसके अंदर ये देखिए इस पर हम लोग आज फोटो प्रिंट करने वाले हैं। ये देखिए दो इसके साथ स्टैंड आपको मिलेगा जिस पे ये स्टैंड होगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप इस स्टैंड को रख सकते हैं और इस पर ये इस तरीके से स्टैंड होगा आपका। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका रहेगा, इसी तरीके से आपका दूसरा भी रहेगा। देखिए बहुत सारे डिज़ाइन हैं तो हम आपको सारे दिखाने वाले हैं आज, और इस पर प्रिंट करके भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए बॉक्स के अंदर कुछ पैकिंग इस तरीके से आपको मिलेगी। ये देखिए इस तरीके से आपको रहेगी पैकिंग मिलेगी। स्टैंड सब के साथ आपको मिलेगा यहाँ पे, इसी बॉक्स के अंदर रहेगा। जो देखिए ये देखिए छोटा भी रहेगा बड़ा साइज भी रहेगा। ये देखिए एक हार्ड शेप में है जिस पे आज हम लोग प्रिंट करने वाले हैं। ये देखिए ये हार्ड शेप में रहेगा, इसके ऊपर हम लोग प्रिंट करेंगे। ये देखिए इसके साथ छोटा भी स्टैंड आपको, मतलब छोटा साइज का भी फ्रेम मिलेगा जो कि कुछ इस तरीके से रहेगा आपका। ये देखिए इस शेप में आपको मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग इसको प्रिंट करने वाले हैं। तो प्रिंट के पहले हम लोग डिज़ाइन करेंगे इसको। ये सब डिज़ाइन तो मान लीजिए आप लोग बना सकते हैं, लेकिन जो ये हार्ड शेप वाला है आप लोग इसको कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम आप लोगों को आज सिखाने वाले हैं कि हार्ड शेप के ऊपर आप लोग कैसे डिज़ाइन करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है फिर भी आप लोग इसके ऊपर कैसे डिज़ाइन करेंगे ये हम आप जो आपको सिखाने वाले हैं। डिज़ाइन करके देखेंगे फिर उसके बाद हम लोग 5-in-1 हीट प्रेस मशीन के ऊपर हम लोग इसकी प्रिंटिंग करने वाले हैं। तो कैसे प्रिंट होगा, टाइम टेम्परेचर क्या होगा, कैसे ये प्रिंट आउट निकलेगा आपका, सारी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक और देखते रहिए आलोक सब्लिमेशन टेक।
ये देखिए दोस्तों प्रिंट आउट निकल चुका है जिस पे हम लोग प्रिंट करने वाले हैं। ये देख सकते हैं आप जिस पे हम लोग प्रिंट करने वाले हैं, ये फ्रेम आप देख सकते हैं हार्ड शेप में है, रॉक फोटो फ्रेम है, स्टोन है ये, जो कि ये आप देख सकते हैं ये स्टोन, ये पत्थर है, ये कटा हुआ है, इस पे हम लोग फ़ोटो प्रिंट करने वाले हैं। तो कैसे प्रिंट होगा चलिए देखते हैं, टाइम टेम्परेचर क्या होगा। ये देखिए यहाँ पर ये देख सकते हैं 5-in-1 हीट प्रेस मशीन है जिसके अंदर हम लोग इस फ़ोटो को प्रिंट करने वाले हैं। तो ये देखिए ये टाइमिंग और टेम्परेचर यहाँ पर हम लोग सेट करने वाले हैं इस मशीन के अंदर, आज हम इसको प्रिंट करने वाले हैं। तो ये देखिए डिज़ाइन बन गया है, अब हम इस पेपर को जो है कटिंग कर लेंगे पहले, कटिंग करने के बाद हम लोग इसको फिर इसके ऊपर लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका पहले बराबर में कटिंग कर लेंगे हम लोग। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे बराबर में। डिज़ाइन करना तो आप लोग सीख ही गए हैं, अगर आप लोग डिज़ाइन करना नहीं समझ पाए हैं तो आप लोग हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं कि डिज़ाइन कैसे होगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग हमसे, मेरा नंबर भी वहाँ पर दिया गया है व्हाट्सएप, वहाँ से भी आप लोग पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल पे। ये देखिए कटिंग हो चुका है, अब हम लोग इसके अंदर इसके ऊपर बढ़िया से इसको साफ़ कर लेंगे, इस पर कुछ है तो नहीं डस्ट वगैरह, उसके बाद इस पर हम लोग इसको सेट करेंगे। ये देखिए इसके ऊपर हम लोग, और ये आपको बता दें कि ये मिरर प्रिंट निकला हुआ है, ये मिरर रहेगा तभी आप लोग इसको सीधा हो कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से सब्लिमेशन टेप की सहायता से हम लोग इसको लॉक कर देंगे ताकि प्रिंट आउट जो है आपका इधर उधर ना हो। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग इसको लॉक कर देंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे बराबर से इसको लॉक कर देंगे सब्लिमेशन टेप की सहायता से। आज हम लोग इसी को प्रिंट करके देखने वाले हैं, फिर उसके बाद हम आपको ये दूसरा प्रिंट 3D सब्लिमेशन हीट प्रेस मशीन के अंदर भी वीडियो मतलब इसको प्रिंट करके दिखाएंगे। अगर आपके पास ये मशीन 5-in-1 वाली नहीं है तो हम आपको उसमें भी कैसे प्रिंट होता है उसके बारे में भी एक वीडियो मैंने डाल दिया है, उसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है लिंक उस पर है, आप उस पर जा कर के देख सकते हैं उसको। ये देखिए तो ये हो चुका है, चलिए अब हम लोग मशीन के पास चलेंगे जिसका हम लोग सेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए ये मशीन है जिसको 5-in-1 हीट प्रेस मशीन है ये, तो हम लोग पहले इसको इस तरीके से सेट कर लेंगे बढ़िया से, इसको टाइट करने के बाद फिर हम लोग यहीं पर जो है इसको प्लग लगा देंगे। ये देखिए पावर को हम लोग ऑन करेंगे और इसके बाद जो टाइमिंग हम लोग इसमें रखने वाले हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मोर के बटन प्रेस करेंगे, मिनिमम टेम्परेचर जो रहेगा वो 290 यहाँ पर आ रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर 330 आ रहा है, यही सेम रखने वाले हैं हम लोग। और जो टाइमिंग यहाँ पर रखने वाले हैं हम लोग रखेंगे 180 यहाँ पर, तो ये देखिए 72 आ रहा है, मोर के बटन प्रेस करेंगे और हम लोग इसको बढ़ा देंगे इस तरीके से कुछ। ये देखिए 180 हम लोग रखेंगे, चूँकि ये पत्थर है स्टोन इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा आपका, तो देख सकते हैं आप लोग इसको इस तरीके से मशीन का टाइम और टेम्परेचर हम लोग सेट कर लेंगे। उसके बाद फिर ये देखिए मशीन हीट होना शुरू हो गई है, तो जब ये हीट हो जाएगी उसके बाद हम लोग फिर वो करेंगे।
ये देखिए दोस्तों, मशीन हीट हो चुकी है और ये देखिए अब हम लोग इसके अंदर प्रिंट करने वाले हैं। तो इस तरीके से रखेंगे हम लोग इसको। ये देखिए जो जिस पे हम लोग प्रिंट करने वाले हैं वो ऊपर की तरफ भाग रहेगा, कुछ इस तरीके से रहेगा आपका, और इसके ऊपर हम लोग प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो मशीन हीट हो चुकी है, अब हम लोग इसके ऊपर इसको रखेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम लोग टेफ्लान सीट को रखेंगे। ये देखिए टेफ्लान सीट जो है हम लोग इसके ऊपर रखेंगे। तो टेफ्लान सीट रखने से ये होगा कि थोड़ा सा प्रिंट में जो है डायरेक्ट इसके ऊपर दबाव नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको रखेंगे और इस तरीके से इसको प्रेस करेंगे। प्रेस कितना होगा ये आराम से, जितने पे ये प्रेस हो जाए सिर्फ उतना ही इसको हम लोग रखेंगे, तो ज़्यादा दबाव नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं इसको पहले दबा करके। ये देखिए बहुत हल्का है, थोड़ा सा और दबाव बढ़ा लेते हैं इसके ऊपर। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए हो गया है। लास्ट वाली बटन हम लोग प्रेस कर देंगे इसको। ये देखिए टाइम इसका शुरू हो गया, एक बार माइनस में होगा हल्का सा, फिर उसके बाद आपका ये टाइमिंग बढ़ना शुरू हो जाएगा। टाइम 180 दिया हुआ है, जो कि इसके बाद कंप्लीट होने के बाद हम लोग इसको निकालेंगे। तो चलिए ये टाइम कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं। और हम लोग ये देखिए मशीन ने आवाज़ कर दिया, अब हम लोग इसको निकालेंगे, देखते हैं इस पर क्या प्रिंट हुआ है। तो चलिए खोलते हैं कुछ इस तरीके से, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। मशीन को पहले हम लोग ऑफ़ कर देंगे इसको इस तरीके से, फिर इसके बाद हम लोग ऊपर कर लेंगे इसको, फिर इसको देखेंगे। ये देखिए टेफ्लॉन सीट को हम लोग पहले हटा देंगे इसको। ये देखिए चूँकि ये हीट होगा इस समय, तो आप लोगों को आसानी से इसको उठाना है। हम लोग यहाँ पर इस समय ग्लव्स का प्रयोग करेंगे और जो है इसको हटाएंगे। ये देखिए हम लोग इसको देख लेते हैं क्या हुआ इसके अंदर प्रिंट। चलिए देखते हैं। ये देखिए ये देख सकते हैं आप, ये देखिए कितना बढ़िया प्रिंट आया हुआ है। ये
पर स्टोन पे जो प्रिंट हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से प्रिंट आपका जो है निकला हुआ है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप बहुत सारे उस पर प्रिंट कर सकते हैं। ये तो हार्ड शेप में है, ये देखिए वर्टिकल में जो है, इस पर भी हम लोग प्रिंट कर लेंगे इसी साइज़ से, सेम टेम्परेचर और सेम टाइमिंग के ऊपर जो है हम लोग इस पर भी प्रिंट कर लेंगे। ये जो एक छोटा वाला है इस पर हम लोग इसी तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, मतलब छोटा बड़ा कुछ भी हो, डिज़ाइन में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, बाकी जो है प्रिंट आपका सेम वही चीज़ रहेगा। ये देखिए ये जो इस तरीके का आकार है इस पे भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए एक शेप ये भी आता है, इस पे भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं उसी तरीके से। ये देखिए दोस्तों प्रिंट होने के बाद आप लोग इसको पैकिंग कैसे करेंगे, ये देखिए इसके अंदर आपको बॉक्स के अंदर आपको इस तरीके से पैक करके, ये देखिए जो कि ये वाली पन्नी आपको पैकिंग वाली इसमें मिलती है जिसके अंदर आपका जो है ख़राब नहीं होगा। उसके बाद ये रॉक फोटो फ्रेम जो है आपको ये बॉक्स मिलता है, इसके अंदर आप लोग इसको इसके अंदर ऐसे पैक करके इसको डिलीवरी के लिए भेज सकते हैं। और इसके साथ दो जो है ये देखिए ये स्टैंड भी इसके साथ में है, जो कि इसके स्टैंड होगा, मैंने आपको दिखाया इसके अंदर, देखिए इसके अंदर ऐसे बाहर से हम लोग इसको डाल देते हैं कुछ इस तरीके से, और ये डिलीवरी के लिए तैयार है आपका फोटो फ्रेम। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।